गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लुसेंट का जो हमारा सीरीज चल रहा है जनरल साइंस का, उस सीरीज का पार्ट 10 लेके आया हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा, मैंने पार्ट 1 1 टू 9 आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1 से 9 तक में मैंने आप लोगों को क्या दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूँ, पार्ट मैंने अभी तक आप लोगों को मैकेनिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियोस थे उसे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, हीट के प्रोवाइड करवाया है, साउंड के प्रोवाइड करवाया है, और इसके अलावा लाइट के भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, मैग्नेट का भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और आज हमारा जो 10वां पार्ट है इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट में मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो ये चैप्टर है अभी मॉडर्न फिजिक्स इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है लूसेंट का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है। तो अत्यंत दिशिक जो प्रकाश किरण पुंज होती है उसे हम लोग लेसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर LASER बीम सदा होती है, लेजर बीम जो होती है वो हमेशा कैसी होती है। तो लेजर बीम जो होती है हमेशा अपसारी बीम होती है। लेजर जो होती है हमेशा अपसारी बीम होती है, लेजर हमेशा अपसारी बीम होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो आप सबको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता है A = P + N, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सब आप सबको पता ही होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो जो अस्थायी कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है हमेशा अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या करा है, A = P + N होता है। तो यहाँ पे पी है आप लोगों को 2 और N है 2, इस हिसाब से इसका उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिक का आकार कितना होता है। तो नाभिक का जो आकार होता है 10^-15 मीटर। ये रेलवे में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। उसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में परमाणु की संख्या 1 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको जे.जे. थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन की मैंने बता ही दिया जेम्स चैडविक से। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है। तो किसी तत्व में जो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है क्या होता है, Z = P = E, मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। यहाँ पे जैसे ही परमाणु होता है इसका नाभिक में P + N होता है, आप सबको पता होगा फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज वहन करता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है समान होती है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, समस्थानिक होते हैं जिन किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसका जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे आइसोटोप कहते हैं। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संभारी कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो,
ऐसे को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, ऐसे तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान समान हो, समभाजिक हो गया। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, दैट इज कॉल्ड समस्थानिक। यहाँ पे आप लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्व के जो होते हैं सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो फ्रेंड्स आप सबको पता है पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ इससे पहले भी शेयर किया है और ये देखिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम में किस सिद्धांत, परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस चीज़ पर, हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया, हाइड्रोजन बम आधारित है तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस बेस पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि द्वारा मापी जाती है, तो क्रिप्टन आर्गन विधि द्वारा सर्वप्राचीन जो सेल समूह होते हैं उनकी आयु को हम निर्धारण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सभी किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, ऐसा कौन सा कण है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का ये है मोटिव, तो बीटा कण जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है और अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, ये नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो चैन रिएक्शन होता है, नाभिकीय रिएक्टर में चैन रिएक्शन होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए क्या कंपलसरी होता है, जर्केनियम का यूज सब कंपलसरी होता है। अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश तथा इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, तो इसका द्रव्यमान जो होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ को हम लोग यूज करते हैं। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो होती है फ्रेंड्स ये इकाई होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, संलयन में काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है यही कारण है कि उसे हम लोग ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब जैसे किस चीज़ की उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का यूज करते हैं, तो होता है जीवाश्मों का उम्र पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर भारी पानी का तालाब है, एक तरह से भारी पानी का तालाब है जिसको D2O कहते हैं भारी जल। नेक्स्ट, परमाणु की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो परमाणु की आयु का जो निर्धारण होता है वो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन आ गया और इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है तभी आके आप एक सटीक आंसर दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। तो चलिए फ्रेंड्स इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, किसने कहा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये है इसका कंक्लूजन।
तो इसका आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि अर्नेस्ट रोनाल्ड ने ये बात कही थी, ये सही है। और तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ए और आर सही है, सही बात है। और आर सही कारण है। मतलब देखिए, इन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो बात कहा था, ये इसका कारण ये था। इसी हिसाब से यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था, रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। उसका उन्होंने कारण ये बताया था क्योंकि उनको विश्वास था कि आइंस्टीन का जो नियम है वो फेल हो जाएगा। इस बेस पे उन्होंने कहा था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस विधि द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है। कल्पकम के फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कल्पकम में जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है उसमें शीतलक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो गलित सोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो जो स्टार्स होते हैं वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो तारे होते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के विधि द्वारा अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक और ये मैचिंग वाला आ गया क्वेश्चन। तो मैचिंग में क्या है, तो आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट 6 का कैंसर के लिए यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आयोडीन 131 का, तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और बचा सोडियम 24, तो ये हो गया रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? जो मास एनर्जी रिलेशन है वो किसका किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत है, मास एनर्जी रिलेशन क्वांटम सिद्धांत है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग कन्वर्ट करने के लिए प्रकाश वोल्टेज सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे निरीक्षण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्यों? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का मोटिव ये है कि जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सरे करने से पहले बेरियम से उपयुक्त मतलब कोई भी चीज़ खिलाया जाता है, किस लिए? तो इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है, बेरियम एक्सरे का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि बेरियम को एक रोगी को खिलाया जाता है एक्सरे करने से पूर्व। नेक्स्ट, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नलिका का प्रयोग एक्सरे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण परमाणु बम के दौरान भारी मात्रा में विस्फोट होता है। नेक्स्ट, अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर होता है तो लाखों की बचत हो सकती है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। यही कारण है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है, एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। डायोड धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तरंगों का प्रकाश उस पर गिरे, इस हिसाब से उसको हम लोग ये करते हैं व्याख्यायित किया जाता है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं वो किस रूप में कार्य करती है? तो जो पीएन संधि बनता है वो दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है।
सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है, मतलब जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है वो किस कारण से मिलाई जाती है, तो उसको विद्युत चालक उसके जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, विद्युत चालकता होती है, उसको बढ़ाने के लिए। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग उसकी इम्प्योरिटी बढ़ा देते हैं तो जो विद्युत का सुचालक बन जाता है। यही कारण है कि उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाते हैं वो विद्युत का चालकता को बढ़ाने लगता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इस कारण है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालकों की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अर्धचालकों की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होने वाला धातु होता है जर्मीनियम। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण पृथ्वी की सतह वक्राकार है, यही कारण है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? जर्मेनियम में आर्सेनिक परमाणु के डालने से वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाने के लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा, मतलब जो 3D पिक्चर्स होते हैं किसके द्वारा लिया जाता है? तो 3D पिक्चर्स होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? तो लेजर बीम का उपयोग आँखों की चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि क्या कहलाता है? उसे हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, या तो PCS में पूछे गए हैं, या तो CDS में पूछे गए हैं, या SSC में पूछे गए हैं, या रेलवे में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, इस हिसाब से आप लोगों को लग रहा होगा कि जो भी मैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ वो सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रेलवे SSC कोई भी एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखिएगा, या आप लोग को आपके लिए जो जनरल साइंस का पार्ट्स है उसमें काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वो आप लोगों का तत्कालिक प्रक्रिया होती है। एक बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, कैसे? तो लेजर द्वारा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको ये तो फ्रेंड्स आई थिंक आप सबको पता होगा कि लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये होता है लेजर का फुल फॉर्म, बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आप लोगों ने नेक्स्ट, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणें का जो प्रयोग किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों तथा हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो स्टार्स होते हैं वो अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन से हैं? उच्च तापीय सिरेमिक ऑक्साइड जो होता है वो उच्च तापीय अतिचालक होता है। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी? ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया? उद्दीप्ति विकिरण यूज का जनरेट किया जाता है। निम्न तापी इंजन जिसे क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ सबसे ज़्यादा? रॉकेट में होता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। निम्न कणों में से एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है वो क्या है? यह माइक्रोवेव फोटोन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के
स्रोत का क्या कारण है? अक्षय ऊर्जा के स्रोत का ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार जे एल फ्लेमिंग ने किया था। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, इसका क्या है? एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है? तो सबसे अधिक संवेग इलेक्ट्रॉन का होता है। सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ होते हैं? तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं, जो विद्युत करंटों के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, इसे हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रसरण तरंगें जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो होती है इनफाइनाइट होती है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए।